और सहल रमजान के लिए हमारे किचन काउंटर में मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्की साहब। वेलकम बिल्की साहब, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा बिल्की साहब, आज हम क्या करने जा रहे हैं? बिल्की साहब ये क्या है? ये बही का फल है जिसे सफरजल भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्विंस कहा जाता है। अच्छा हाँ, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे कि इससे किस तरह फ़ायदे उठा सकते हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। सही सही सही। अच्छा मैंने वैसे पहली बार इस फल का नाम सुना, इससे पहले मैंने बिलाल भाई आपने सुना है? ये हरी मिर्च लग रही है बड़ी वाली। नहीं सफरजल, बही का फल सुना होगा बिलाल? सफरजल बिल्कुल नहीं देखा कभी। नहीं देखा, अच्छा बड़ा मुश्किल मुश्किल नाम है। अच्छा जी आप अच्छो क्या क्या करेंगे? पहली चीज़ क्या करें ये बता दें। मैं इसका जैम बनाना बताऊंगी। जैम? अच्छा, इसका शेक बनाना बताऊंगी और तेजाबीत, मतलब कि ये एक वो फल है जो जिसके बारे में हदीस में इतना जिक्र तस्करा मिलता है कि शायद ही कोई अल्लाह के नबी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया हो। अच्छा। ये एक फल एक अफराद की कुव्वत को 40 अफराद की कुव्वत तक पहुंचा देता है, इसमें इतनी ताकत पाई जाती है और ये हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन और माना गया फल, यानी कि हार्ट पेशेंट्स के लिए और एनर्जी को बूस्ट एनर्जी करने के लिए। हाँ, वो भी आप मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्तलिफ अहदीस में इसका तस्करा मिलता है, क्योंकि मुझे पूरी हदीस याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा हदीस कोट नहीं कर सकती, लेकिन इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के लिए मुफर्रा करार दिया है। चले आपा हम पहली चीज बनाते हैं और पहली चीज है मैं जैम। अच्छा ये जैम हम बच्चों को दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये इसकी शक्ल बनी हुई है, ये क्वींस का जैम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, ये बना हुआ है, अगर आप खोल दें मेरे आपा एक तो रोजा इतना लग रहा है, मैं ये कैसे खोलूं? सफदर भाई खोलेंगे, मुझे लग रहा है सफदर भाई खोल सकते हैं। ये ले सफदर भाई, ये ले, ये जरा जैम खोलिए। अच्छा इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। अच्छा सफरजल अच्छा मैं इसको यहाँ निकाल के बता देती हूँ। देखिए ये बहुत मज़ेदार जैम बनता है। अच्छा इसको बनाने का तरीका, अच्छा ये हमारी वैसे मार्केट्स में बहुत कम है, मैंने देखा नहीं कभी। में क्वींस का जैम भी बहुत कम मिलता है, लेकिन ये जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है हमारे, जैसे अस्करदू है बल्तिस्तान, वहाँ ये बहुत कसरत से उगता है। बलूचिस्तान में भी होगा जहाँ कोल्ड मतलब ठंडक भी हो। हाँ। और सहरा भी हो, ठीक है, तो उसका ये फल है। और ये बहुत इसकी खूबियां अगर साइंटिफिक तरीके से बयान करूं तो इसमें हर विटामिन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा और दूसरी बात, ये खराब भी नहीं होता, अगर आप इसको रख दो ना घर में लाकर तो इसकी कुव्वत ऐसी होती है कि ये एक महीने तक रह जाता है, फ्रिज में ना रखे वैसे ही रह जाता है। अच्छा। इतना मतलब ये बाहर भी रह जाता है। बिल्कुल, अब आपने करना क्या है, सफरजल आपको मार्केट में अभी मिलना शुरू हो जाएगा जून के पहले हफ्ते, जून तो स्टार्ट हो रहा है। महंगा होगा मुझे नहीं लगता। नहीं सफरजल कोई महंगा, 200-300 रुपए का किलो है, 200-300 रुपए किलो कोई महंगा नहीं। सेब कितने किलो है वैसे आप? 600 तक भी पहुंच जाता है। ये तो हमारी रमजान है जी, रमजान में हर चीज इतनी महंगी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये आपको सफरजल आराम से मार्केट से मिल जाएगा। आपने करना क्या है कि सफरजल को आपने उसका छिलका उतार कर उसको ब्लेंड करके, जितना आपने सफरजल लिया है उतना ही आप चीनी या शहद ले लें, आप इसको पका लें, इसका पानी सुखा लें, आपका जैम घर का तैयार हो जाएगा। ये मैंने यही जी आप लोग जब सुन रहे थे कलाम। हाँ, मैं भी सुन रही थी। हाँ, साथ साथ में ही कर आप इसके फवायद जो बहुत सारे लोग ने अभी ज्वाइन किया उनके लिए बताएं कि सफरजल का जो हमने जैम बनाया है क्या क्या फवायद है। सफरजल के जैम के फवायद ये हैं कि आपके बाल हमेशा के लिए काले रहेंगे, आपकी आंखें रोशन रहेंगी, आपके दिल को कुव्वत मिलती रहेगी, आपकी एनर्जी जो है एनर्जी बूस्टर है। एनर्जी जैसे मैंने अभी कहा कि मैं वो कोट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक अफराद की कुव्वत को 10-40 अफराद तक बढ़ा देता है, मतलब एक शख्स में 40 लोगों की एनर्जी समा जाती है अगर इसका बाकायदा पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कोई एनर्जी ड्रिंक आपको पीने की जरूरत नहीं है जो हम पी रहे होते हैं। तो ये सवाल है कि ये आप जो बनाएंगी इसको हम कितना अरसा महफूज रख सकते हैं अपने पास, यानी कि पूरा साल तो ये फल नहीं मिलता। हाँ जी बिल्कुल, आपसे इसीलिए मैंने जैम बनाना बताया। वैसे मार्केट में इसके मुरब्बे मिल जाते हैं, लेकिन हमारे अजीम पंसार भाई दोबारा कहते हैं वो टींडे के बना के आपको कहते हैं कि सफरजल के, क्योंकि शक्ल थोड़ी बहुत मिलती है तो टींडे काट के डाल देते हैं, वो कहते हैं कि ये सफरजल का है, ठीक है, और वो अच्छा। फिर महंगा बेचते हैं, लेकिन आप घर में बना लें बहुत आसान है। आपने करना कितने देर से तक हम उसको रख सकते हैं? मैं बता देती हूँ, आपने इसको बना के ठंडा करके, ठंडा होने से पहले
सत लोबान मिल जाता है। अगर एक किलो आपने बनाया तो आपने एक ग्राम डालना है, उस पाउडर को डाल के अच्छी तरह मिक्स करके ठंडा नीम गरम के बाद, मतलब इस हालत में नहीं, फिर वो प्रिजर्वेट नेचुरल प्रिजर्व हो जाता है, वो प्रिजर्व हो जाता है, तो एक साल तक आप रख सकते हैं, एक साल तक। ठीक है, अच्छा कॉलर साथ है हमारे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मदीहा, मैं नौरीन बात कर रही हूँ कराची से। जी नौरीन, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबको, समा को, बिलाल भाई को, बिल्कीस आपा को, मदीहा आपको, सबको रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। आप लोग बहुत अच्छा शो कर रहे हैं माशाल्लाह, रमजान की जो आप लोग हमें तौर तरीके सिखा रहे हैं खाने पीने के मामले में, लेने देने के मामले में, वो बहुत ही अच्छे हैं, और किसी शो से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अल्लाह करे आई विश आगे और ज्यादा बढ़ती जाए इंशाल्लाह ताला। मुझे बिलाल भाई को अस्सलाम वालेकुम कहना है, उनसे बात करनी है, डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। जी जी जल्दी जल्दी कर लीजिए। जी डॉक्टर बिलाल भाई से मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे पास एक उम्रे का टिकट है, मगर मेरे पास महरम का टिकट नहीं है, रिटर्न टिकट आने जाने का एक आदमी का है। अगर समा मुझे एक और आदमी का इनायत कर दे तो मैं और मेरे हस्बैंड जाके उम्रा करके आ सकते हैं रमजान में इंशाल्लाह। आप कौन से शहर से बात कर रही हैं? मैं कराची ही से बात कर रही हूँ, मगर मुझे समा से उम्मीद है कि समा मुझे दे सकता है। आप हमारे स्टूडियो पहुँचे, ये हमारा आपसे वादा है, मैं आपको आप अपने महरम के साथ दे देंगे। अपने महरम के साथ पहुँचे, आप हमारे स्टूडियो आ जाएं, हमारी ट्रांसमिशन 8 बजे है, आप पीसीआर से एड्रेस ले लीजिए, और नौरीन जल्दी से 8 बजे से पहले पहले मैं आपको बता रही हूँ। सैटरडे को आ जाऊँ मदिया, बहुत शुक्रिया होगा आपकी। अरे देखो उम्रे पे जाने की तुम्हें इतनी जल्दी, और तुम्हें 8 बजे तक का टाइम दे रहे नौरीन, और तुम कह रही हो मैं हफ्ते को आऊंगी। इफ्तारी हमारे साथ ही आके कर ले, परेशान मत हो, अपने महरम को साथ में ले आओ, और आज ही हम आपको यही टीवी पर नौरीन हम आपको टिकट दे देंगे। मेरी टीम को बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होने कहीं मजाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और आपा ने हमें जिस आपा नाम बहुत मुश्किल है, नाम बहुत मुश्किल, दोबारा से बताएं। बही, बही का आपा ने हमें जैम बनाना सिखाया, जिसके इस कदर फवायदे हैं। आपा मैं अच्छा, कॉल ले लूं? हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम दी आपकी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? फरवा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी फरवा, क्या जी दी आप? एक तो मुझे डॉक्टर बिल्कीस से पूछ के बताएं, मैं स्किन पर खुश्की बहुत ज्यादा है, बहुत ड्राई, और दूसरी मुझे बिलाल भाई से बात करनी है। जी जरूर कीजिए। जी मेरे बेटे, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। क्या बिलाल भाई, मुझे ना आपसे एक गिफ्ट चाहिए अपनी बहन के लिए, मुझे डिजिटल कुरान पाक चाहिए। क्या चाहिए? मिस्टर शमा की तरफ से डिजिटल कुरान पाक। डिजिटल कुरान पाक जी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ के मदनी और मक्की जो सूरतें हैं इनकी तादाद कितनी है? मदनी और मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? आप ऑप्शन देंगे? तो मुझे ऑप्शन क्या देती हो, डिजिटल कुरान या दूसरा कोई और ऑप्शन? नहीं मुझे डिजिटल कुरान चाहिए, मैं अपनी बहन को देना, उसकी शादी है, तो मुझे इससे बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं। मेरे बेटे मेरी एक बात सुनो, और ये मैं बात जो है ना तुम्हें एक बाप की हैसियत से कह रहा हूँ, और बड़े अदब से कह रहा हूँ, तुम जैसी तमाम बेटियों को कह रहा हूँ, जब आप कहते हैं, और ये मैं बात जो है बिल्कुल शरा की हदूद के अंदर रह के कह रहा हूँ, जब आप कोई ऐसी शय कहते हैं जो कि आप पे फ़र्ज नहीं है, तब तक जब तक कि आपने अपने बाकी फ़राइज़ अदा ना कर दिए हों, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे कहें कि मैं उम्रा नहीं कर सकता, मुझे आप उम्रा करा दें। इसका मतलब जितने सरकारी उम्र और हज होते हैं वो जायज़ हो गए, वो नाजायज़ हैं, वो बिल्कुल नाजायज है। इसलिए अगर आपने कलामे पाक देना है तो बरकत यह है कि आप अपने वालिद को कहें कि वो अपनी दुआओं के साथ उसको रुखसत करें। ये चीजें इस तरह लोगे तो इसमें बेबरकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, लेकिन बरकत बहुत अहम है। अपने वालिद से कहिए कि उसको दुआओं में रुखसत करें। अच्छा नेक्स्ट कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? बात कर रही हूँ फरहत, बात कर रही हूँ रहीम यार खान से। जी फरहत क्या पूछना चाहेंगी? बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पे। मुझे ये बिल्कीस आपा से बात करनी है। जी जरूर जरूर। जी जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूछना था, मेरे हस्बैंड जब इफ्तारी करते हैं तो उन्हें पसीना बहुत ज्यादा आता है, बहुत महसूस करते हैं वो।
अच्छा अफतारी कर तो हाँ जी अफतारी के बाद बहुत ज्यादा पसीना आता है। आप सबसे पहले ले जाकर उनका लिपिड प्रोफाइल कराएं जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, ठीक है। अगर खाना खाने के बाद नकाहत बहुत हो, पसीना बहुत आए, हार्ट बर्न हो और हार्ट की तरफ प्रेशर आए, तो लिपिड प्रोफाइल 12 आवर्स फास्टिंग यानी कि 12 घंटे बगैर खाए पिए जाकर वो करवा लें, उसके बाद आप बताइएगा। तो मैं यकीनन कोई अभी भी मैं एक चीज़ बता रही हूँ, वो लाजमी उनको दीजिएगा खाने से पहले, ठीक है, उससे फ़र्क पड़ेगा। चलें चलें, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा आप दूसरी चीज़ हम क्या बना रहे हैं? चीज़ देखिए, ये अल्लाह गफ़ूर रहीम ने जो ये फल बनाया है ना, इसके हर चीज़ में इफादियत है। इसके पत्तों से रंग गोरा होता है, इसके बीज तेजाबियत हर चीज़ के लिए, जिनको और जिनके दाने बहुत निकलते हो और पसी दाने निकलते हो किसी सूरत नहीं जाते हो, तो इसके जो बीज है वो आराम से आपको मार्केट में इस शक्ल में मिल जाते हैं। ये देखिए अभी मैंने इनके ताज़े बीज निकाले और इसमें इतना लेस होता है, ये देखिए मैंने भिगो दिया था, मैं आपको बताती हूँ। ये जो लेस होता है ना, ये देखिए बिल्कुल ये एक लेस जैसे जेल जैसा बन जाएगा, रात भर भिगोएंगे। तो जिनको तेजाबियत होती है, खाने के दौरान पसीना ज़्यादा आता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, तो वो लोग रात को ये एक चम्मच भिगो के सुबह खाली पेट ये ले लिया करें। जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि एक एक ग्लास गर्म पानी पीने के बाद आपने कोई दवा शुरू करनी है तो आप ये इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा दूसरा मैं इसका आपको बनाना बता रही थी। अच्छा आपा ये अंदर से सेब की तरह दिखता है? जी जी बिल्कुल सेब की तरह दिखता है, खाने में ये नाशपाती और सेब दोनों का मिक्सचर लगता है। अगर आप थोड़ा सा कच्चा खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि क्या हम नाशपाती खा रहे हैं या सेब खा रहे हैं, इन दोनों का मिक्सचर लगता है। और अगर इसकी शक्ल भी उठा के आप देखें ना तो लगता है कि या तो सेब है या तो नाशपाती। अब देखें, ये देखें ऐसे लग रहा है नाशपाती है, ना नाशपाती ना सेब, दोनों का लगता है कि मिक्सचर है। इसका बहुत अच्छा वो बनता है, शेक बनता है। आपने क्विंस लिया एक अदद, इसमें आप शहद डालें। आप क्या हम इसको काट के देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आप काट के देख सकते हैं, क्यों नहीं, असली है कसम से। मैंने लोगों के लिए ना अपनी आसानी के लिए आपा, ये तो बिल्कुल काटने में तो ऐसा लग रहा है मैं नाशपाती काट रही हूं। जी जी भी सख्ती भी उसमें ना, मैं आपको यही बता रही थी कि इसमें सख्ती नाशपाती की है। ठीक है ले मैं काट ना आपा, हो गया हो गया, ऐसे हो गया ना। हां ये देखें, ठीक है ये देखें, इसमें गुलाब की पत्तियां जी जी ठीक है। और जो है आप, मैंने इसमें जो जो इसमें क्विंस डाला है यानी कि सफरजल डाला है, ठीक है, इसमें दो छोटी इलायची डाली, गुलाब की पत्तियां डाली है, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। सही, इसको ब्लेंड कर दिया है, इसको आप ब्लेंड करें तो कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? मैं आसमा बात कर रही हूँ बलोचिस्तान से। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है आसमा? मेरा हाल जी, आप कैसे हो? क्या मुझे चेहरे के बारे में पूछना था, मेरे चेहरे पे मतलब चाइयां बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको फ्रेकल्स की प्रॉब्लम है, ये आप पूछना चाह रही बिल्कुल सापा से? जी ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। भी आपको बिल्कुल सापा बता देते हैं, बिल्कुल सापा देखिए जी, फ्रेकल्स देखिए, अगर आपको फ्रेकल्स है, आज हमने सफर जल से बताया, अभी सफर जल मौजूद नहीं तो नाशपाती की भी ड्रिंक आप बना के पी सकते हैं। इसी तरह जैसे नाशपाती आपने लिया, उसमें शहद डाला, गुलाब की पत्तियां, छोटी इलायची, शेक बना के, देखिए फ्रैकल्स जो है ना उसका इंटरनली भी आप इलाज कराएं। आप हर चीज़ बोलेंगे लगाने के लिए बता दूं, लेकिन मैं सहल रमज़ान में आपको लगाने की भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे बताती रहूं। आप ये जी क्या कुछ कर सकता है हमारी मजीद, इसको पीना है इसको? जी देखिए, ये जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं, जो किसी बहुत अद्वियात कर चुके हैं लेकिन उनका मैदा साफ, मतलब उनका पेट साफ नहीं होता, आप ये पीने लगे। मैं ये नहीं कहती हूँ आज आपने पिया अभी आपका मसला हल होगा, 15 दिन मेरे कहने पे पिए, 16वें दिन से आप इसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको ये वो एनर्जी देगा, वो मतलब कि जिनके कमर में बेतहाशा दर्द होता है, सुबह उठते ही पाँव नीचे नहीं रखा जाता, सर चकराता रहता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो सफ़र जल उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको जो वो मतलब कि कान की वजह से या सर्वाइकल की वजह से एक टेबलेट होती है वो हर वक्त ही खाते रहते हैं, चक्कर की टैबलेट, नाम मैं नहीं ले रही, आप यकीन करें इसकी कुव्वत इतनी अच्छी है, ये आपकी उस दवा को छुड़ाने में आपकी मदद कर सकता है अगर प्रॉपर तरीके से ये शेक बना के आप लोग पीएं। जबरदस्त ठीक है। अच्छा एक और कॉलर साथ अभी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं यास्मीन बोल रही हूँ सरगोधा से। जी यास्मीन कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक, क्या पूछना चाहेंगी?
जी मैं पहले तो आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक मुबारक और आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा मॉर्निंग शो में मैंने काफी कोशिश की कॉल मिलाने की लेकिन नहीं मिली। चले आपसे आज मेरी बात, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत बहुत आपसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। क्या पूछना चाहेंगी आप जी? मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जी आप जी जी फरमाइए। डॉक्टर बिल्किस मुझे नजर का मसला है, मेरी नजर बहुत वीक है तो मुझे रात को काफी मसला बनता है अंधेरे में देखने में। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मुझे उसके लिए आपने एक मेडिसिन पहले मॉर्निंग शो में बताई थी तो मुझे वो चाहिए थी। स्पायरोलिना बेटा आपको, आप जहाँ रहते हो आप किसी अच्छे केमिस्ट के पास जाके, बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ जाके आप बोलो आपको मिल जाएगी। स्पायरोलिना मैंने बताया था, लेकिन ये भी विटामिन ए का खजाना है। अगर आप इसमें बादाम ऐड कर लें तो जिनको रात को नज़र इसलिए नहीं आता कि विटामिन ए की कमी है, आप यकीन करें ये वो पी सकते हैं। और बहुत सारे शेक जो होते हैं प्रेगनेंट वुमेंस को मना होते हैं कि नहीं आप ठीक है, लेकिन ये जो है बच्चे की ताकत माँ की कुव्वत दोनों के लिए जबरदस्त। वो आप ये डे वन से आप पी सकते हैं, वरना जो है नेचुरोपैथ भी ये कहते हैं कि पहले 3 महीने गुजार के आप लें, लेकिन इसकी ताकत या ये जैम जो है आप पहले दिन से, इसीलिए बही का मुरब्बा नेचुरोपैथ जो है वो थ्रू आउट 9 मंथ्स। अच्छा आप ब्रेक के बाद भी, क्योंकि मुझे ब्रेक लेने, तो ब्रेक के बाद हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं? जो पूरे कौम का मसला है कि रंग कैसे सफ़ेद। ठीक है मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आ रही हूँ, कहीं मैं जाएगा ब्रेक के बाद आप बताएंगी कि रंगत ने निखार कैसे ला रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। रमजान करीम, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और बिल्किस आपा, अभी जैसे बिल्किस आपा ब्रेक पर जाने से पहले कह रही थी कि अब मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो कि ऑलमोस्ट पूरी कौम का एक मसला है, और यही मसला है, और लड़कों का भी बहुत ज़्यादा मसला है। वो यही कहते हैं कि जी रंग रंग में निखार कैसे आए, कैसे ठीक है? अच्छा आपा अभी सफ़र जल्द से बताएंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुदरत ने इस फल में तो इतनी शिफा रखी है, इसके बीज में तो इतनी शिफा रखी है, साथ साथ इसके पत्तों में भी वो शिफा रखी है कि निखार पैदा करने में आपकी मदद करता है। वो पत्ते जो दरख्त से गिर जाते हैं, अच्छा मतलब कि अगर उनको ही चुन के इस्तेमाल किया जाए तो उससे फ़र्क पड़ता है। आपने 2 से 3 क्वींस के पत्ते लेने, ठीक है? जो कुवत इसके फल में है वही, उससे अगर फल आ जाए तो पत्तों में तासीर कम हो जाती है लेकिन रहती है। आप इसमें आपने देसी गुलाब की पत्तियां 2 अदद डालनी, 3 से 4। 2 आप क्वींस के पत्ते ले लें, 2 अदद गुलाब की ताज़ा पत्तियां ले लें। आप चाहें तो इसमें सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पहाड़ी पुदीना भी। पहाड़ी पुदीना ये भी भर कर आपने लेना है, ठीक है? अच्छा आपा पहाड़ी पुदीना खाने में भी अच्छा है और चेहरे पे लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और रंग निखारने में पुदीने से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन खुदारा मेरी वो बच्चियाँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है तो पुदीना सुबह खाली पेट पी लेती हैं, वो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो ना इस्तेमाल किया करें। देखिए जैसे अभी हमने ये बना के इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ अलग हो गई। अगर वो बिल्कुल खाली पेट पुदीने का पानी पीना शुरू कर देते तो उनके लिए नुकसानदेह है। अच्छा। आगे जाके उनमें बांझ बना सकता है, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है? बस ये कहवा तैयार हो गया, इसको छानना है, इसमें लेमन डालना है, शहद डालना है, दिन में 2 बार पीजिए। इससे आपका निज़ाम हज़म भी अच्छा होगा और रंग में भी निखार आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू, क्योंकि आपा वो हमारा अगर स्टमक ठीक तरीके से फंक्शन करने लग जाए तो हमारे चेहरे पे जो तरोताजगी है वो वैसे आ जाती है। अगर आप देखें ना तो इसमें पत्तों से हमने क्या लिया है, पूरी फोलेट की किस्म, पूरी बी कॉम्प्लेक्स की पूरी रेंज ली है पत्तों से। अच्छा। और गुलाब की पत्तियों ने उसकी मदद की है क्योंकि उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और फिर पुदीने से हमने जो है ना आप निज़ाम हज़म और इसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए, क्योंकि इसमें जो मिंट की जो तासीर है वो आपकी निज़ाम हज़म को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। ये वैसे पीने में कड़वा नहीं होगा? नहीं नहीं कड़वा नहीं होगा, आपने इसमें सौंफ और शामिल कर दें और साथ में शहद डाले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कॉलर अब साथ हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद जाकिर बात कर रहा हूँ हरिपुर से। जी जी जाकिर भाई, जी जी क्या पूछना चाहेंगे? बल्कि साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि मैदे के लिए क्या यूज किया जाए ताकि मैदे की तजाबियत जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा भाई मैंने बताया था लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ, रमजान के लिए पहले प्रोग्राम में मैंने बताया था आपने छोटी इलायची ले लेनी है, आप खाने का सोडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
आपने छोटी इलायची, खाने का सोडा और साथ में तबाशीर, तबाशीर ठीक है, तबाशीर भी आप ले लें। या दूसरा नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ, आप मिस्री ले लें, तबाशीर ले लें और छोटी इलायची, तीनों अगर जिनको बहुत तेजाबियत रहती हो तो ये सिर्फ तीन चीज़ें, मिस्री, छोटी इलायची, तबाशीर, इनको आपने क्या करना है, तीनों को आपने पीस कर पाउडर बना के एयर टाइट जार में रख देना है। इसमें से पिंच जो है खाने से पहले आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करें। अगर ये आपको महंगा लगता है तो आप मिस्री, पुदीना और खाने का सोडा, पहाड़ी पुदीना होना चाहिए और खाने का सोडा, इन तीनों को पीस के पाउडर बना के रख दें, तो इससे भी आपकी जो एसिडिटी होती है वो खाना मुंह को आ रहा होता है। आपा ने पहले ही दिन सहल रमजान में जो है ये बिल्कुल बताया था कि कैसे किया जा सकता है। एक और कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अदिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक जी। कौन बात कर रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर बल्कीस से एक तो मैं पूछूंगी, थोड़ा हमारी जो टमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पेट के लिए, उसका जरूर बताएं। और एक तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मेरी कॉल लगी थी, जब सादरी साहब आते थे, तो माशाल्लाह अब वो नहीं है, लेकिन अब उनकी कमी ऐसे महसूस हो रही है। और एक तो मैं समा को शुक्रिया अदा करनी चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनसे एक दफ़ा ओमन लिया था, विन किया था, और मैंने उसके बाद बहुत दफ़ा कॉल की कि आप लोगों को बताऊँ मुझे मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। और माशाल्लाह आपने तस्वीर दिखा के जो ऐसे हो गया ना, उनकी याद आ गई है, ताज़ा हो गया है बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी कवाली करते थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, नाते बड़ी अच्छी पढ़ते थे बहुत। और ये देखिए, इससे बड़ी उनकी फतह कोई नहीं है कि उनके जाने के अभी 1 साल होने को आया है और इतना लोग उनको प्यार करते हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, इसे और मोहब्बत की क्या दलील हो सकती है। एक और कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, चले अच्छा, आपा मुझे पूछ रही थी वो उसका बता दीजिए। जो टमी का आपने पूछा है, तो सहल रमजान आप देखते रहे इंशाल्लाह, आगे मैं जो हूँ नुस्खे रख के बताने में ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो तबाशीर वाला बताया, अगर आपको इन्फ्लुएंस से उफारापन है, जैसे ऐसा होता है कि गैसेस बहुत बनती है और पेट बाहर आ जाता है, तो जो मैंने अभी दो नुस्खे बताया वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। चले जबरदस्त, ये तो बहुत। और आप कल क्या कर रहे हैं बता दें। आप लोग बताएं क्या करूं, बहुत कुछ है करने को। तो आपा जो अभी इनकी कॉलर का फोन है, मिनी का कुछ इलाज बता दें। हाँ सही है, ठीक है। मैं खवातीन में नहीं, जो बंदों को भी प्रॉब्लम है कि जी ठीक है, खुद पतले होते हैं लेकिन जो है मोटे हो जाते हैं, बेली बेली, ठीक है, मैं कल उसके एक्स्ट्रा पैड। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आपा, आप जजाकला। और साथ में बहुत सारी चीज़ें, आज भी जो चीज़ें बनी हैं दोबारा से, क्योंकि लोगों के बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। एक बता दें आपा, इस फल का नाम है सफरजल। सफरजल का जाम बड़े अच्छे तरीके से बन सकता है। अगर आप क्विंस के नाम से जाके गूगल करें, गूगल करें तो आपको उस पर भी पता चल जाएगा। लेकिन बही, बही दाना सबको पता है, मिल जाएगा। आप इसके पत्ते हमारे रंग साफ करेंगे और इसमें ये हमारे अंदर एनर्जी डालेगा, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और क्या था ये? और इसके जो बीज है वो हमारी तेजाबियत के लिए बहुत अच्छे हैं और उनके लिए बहुत अच्छे हैं जिनके दाने निकलते रहते हैं स्किन पे। जबरदस्त जबरदस्त, तो इतना कुछ इस सफर जल से आप लोग कहीं बजाएगा जी। मुझे भी छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद अभी आपके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अभी तो हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई है। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच आपा आपके आने का। रमजान करीम, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।